जानते नहीं है, तो शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप में आज यहाँ पे मतदाय की बात के तत्वाधान में काम किया जा रहा है। इसके लिए कैसा कहेंगे जनता को खुद जागरूक होना, इसके लिए बता दे रहा हूँ। जो व्यापारी साधनों की बैठक हुई थी उसमें ये बात हुआ था कि नाली के अंदर रहेंगे, ऊपर से अगर छज्जा लगाए रहेंगे तो कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ का आज एतमादपुर विधानसभा में जिस तरीके का असर दिखाई दे रहा है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर उपजिलाधिकारी एतमादपुर अपने आप में यहाँ सफाई करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। रोड पर जो लगी रहती थी दुकानें और पड़े हैं उनको आज प्रॉपर तरीके से हटा रहे हैं। आप देख रहे हो कि तमाम नगर पालिका द्वारा यहाँ पर ये चलाए जा रहे हैं और नगर पालिका के और भी तमाम ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं। मैं उपजिलाधिकारी एतमादपुर से बातचीत करूँगा कि क्या कार्रवाई चले। सर, ये एतमादपुर में मास्टर प्लान के लिए आप लेकिन लोग जागरूक नहीं हुए, इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? नहीं, लोग काफ़ी जागरूक हो गए हैं। जो अस्थायी निर्माण आप लोग आज भी मतलब है कि अस्थायी निर्माण ही हटा रहे हैं और लोग भी अस्थायी निर्माण काफ़ी हद तक हट गया है। बाकी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब तक कार्रवाई न हो तब तक मानते नहीं है, तो शासन के दिशा निर्देशों के अनुरूप में आज यहाँ पे मतलब है कि वास्तव में अतिक्रमण हटाने के लिए अब तक तो हम लोग जागरूक कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे, पर अब वास्तव में आज हम लोग टीम के साथ आए हैं, नगर पालिका की टीम है, पुलिस प्रशासन की टीम है और आज अतिक्रमण हटाने का कार्रवाई चल रहा है। और ये सतत रूप से मतलब है कि हर हफ्ते हर 10 दिन पे एक बार ये कार्रवाई जो है चलती रहेगी। इसी तरह की कार्रवाई रहती है तो आगे प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ये आपके द्वारा या सरकार के तत्वाधान में काम किया जा रहा है, इसके लिए कैसा कहेंगे जनता को खुद जागरूक? नहीं, जनता को तो जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग दो तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं। जो अस्थायी निर्माण है उसको हटा रहे हैं और साथ ही साथ मतलब कि समय शुल्क 2000 रुपये भी वसूल कर रहे हैं। इससे लोगों में जागरूकता के अलावा भी अब जो कुछ दंड लग गए हैं तो कुछ लोगों का खुलेगा और इसके बाद भी अगर लोग सोए रहेंगे तो अगले अतिक्रमण कार्यक्रम में फिर उनके जो भी पक्के निर्माण है वो भी मतलब है कि हटा दिए जाएंगे। एक शिकायत लोगों की यह है कि कुछ एक जगह छोड़ा जा रहा है, कुछ एक जगह की है। इसके लिए बता दे रहा हूँ कि चूँकि जो व्यापारी के साथ हम लोग की बैठक हुई थी उसमें ये बात हुआ था कि नाली के अंदर रहेंगे, ऊपर से अगर छज्जा लगाए रहेंगे तो कोई ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। तो जो नाली के बाहर तक हमारे मतलब कि खड़ंजे पे जो पोल लगे हैं ये लगे हैं उनके लिए कर रहे हैं और बाकी एक दो को जगह जहाँ हटाया गया है वहाँ पे ये बताया गया था कि दुकान के सरहद के अंदर ही वो अपनी कार्रवाई करेंगे, वो अभी भी लोग बाहर निकाल के कर रहे हैं। तो उन्हें मतलब चीज़ करने के लिए क्योंकि उन्हें बताया जा चुका है नहीं माने तो उसके लिए वहाँ पे भी हटाया गया है। सफाई अभियान आज एतमादपुर में कहाँ कहाँ बहरन रोड तक चलेगा? हाँ, आज ये बहरन रोड तक हम लोग इसको लेके जाएंगे और हम लोग का ये प्रयास है कि हर 10 दिन 15 दिन बस में इस तरह की कार्रवाई एक बार जरूर करते रहे। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो लोग अभी भी अड़क बने हुए हैं वो नाली को छोड़ करके आगे बढ़ते हैं उनके लिए क्या? नहीं, इसके लिए जो जैसे कि कुछ पक्की सीढ़ियाँ हम लोग को दिख रही हैं, कुछ नाली पे ये रैंप बना के लोग बनाए हुए हैं, इसके संबंध में आगे भी 2-3 दिवस में हम लोग बैठ के एक वार्ता करेंगे और पहले उनको समय देंगे कि भाई अपनी नाली, क्योंकि सीढ़ी हट जाएगा तो बड़े बूढ़े जो हैं उनको ऊपर घर में जाने में दुकान में जाने में समस्या होगी, तो उसके लिए वो अपना अस्थायी तौर पर व्यवस्था कर लें और हमारे आगाह करने के पश्चात अगर वो नहीं करेंगे तो अगले कार्यक्रम में वो सीढ़ियाँ भी जो बनी हुई हैं उनको भी हटाया जाएगा। आपने इससे 8 दिन पहले जागरूक किया था लेकिन लोग अभी भी थोड़ी स्लो मोशन में चल रहे हैं, आज आपने कार्रवाई शुरू की है तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स दिख रहा है? लोगों का रिस्पॉन्स है, कोऑपरेटिव रिस्पॉन्स है, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि मतलब अतिक्रमण से वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित हैं। जिस दुकानदार ने अपना अतिक्रमण किया है तो उसके बगल वाले दुकानदार ने भी अतिक्रमण किया तो वो भी अपने अतिक्रमण से सभी लोग प्रभावित हैं, तो ऐसे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, क्योंकि सबसे संवाद बना हुआ था तो कार्रवाई स्मूथ तरीके से चल रही है। तो ये उपजिलाधिकारी एतमादपुर हैं जिन्होंने बेबाकी से खबर एक्सपर्ट पर अपनी राय दी और बताया कि लोग जागरूक हों, क्योंकि जिस तरीके का सरकार का मिशन है कि रोड साफ होने चाहिए, नालियां साफ होनी चाहिए, क्योंकि इनसे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसको देखते हुए आज उपजिलाधिकारी एतमादपुर ने जिस तरीके का माहौल यहाँ चलाया, आप देख रहे हो कि बुलडोजर पीछे चल रहा है और आगे सफाई होती हुई आ रही है, लोग भी जागरूक हैं, तत्परता के साथ काम लगे, यहाँ पुलिस भी लगी हुई है बेबाकी से और सफाई कर रही है। आप देख रही है खबर एक्सपर्ट पर, इसी तरीके से खबरें एतमादपुर से। धन्यवाद।